वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान की 10 अनरिलीजिंग मूवीज, जिनकी चर्चाएं तो बहुत हुई लेकिन किसी ने डेट पता कर नहीं दी, और वाकई में ये मूवी कभी आने वाले टाइम में रिलीज होंगी या नहीं, या कौन सी मूवी रिलीज हो सकती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर वाकई में आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, हम चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहली मूवी की बात करूं तो सबसे पहली मूवी का नाम आता है सैल्यूट। सैल्यूट मूवी की बात करूं तो सैल्यूट मूवी एक बायोपिक मूवी बनने वाली थी। इस मूवी का नाम तो सामने आया लेकिन वाकई में इस मूवी की डेट सामने नहीं आई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और था डॉन द फाइनल चैप्टर। डॉन 3 एक सिक्वल बनने वाला था और इस मूवी को भी बहुत लोगों ने बताया लेकिन इस मूवी की डेट की चर्चा किसी ने नहीं की। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं, एक और थी करण जौहर की नेक्स्ट, जो कि ड्रामा मूवी बनाने वाले थे करण जौहर। बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए लेकिन इस मूवी के बारे में भी चर्चा बहुत सारी हुई लेकिन डेट सामने नहीं आई। तो ये डेट्स कब सामने आएंगी, कब शाहरुख खान एक बार फिर से अपने वही बादशाह वाले किरदार में इंडस्ट्री में दिखाई देंगे, कब वो अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान या मतलब और भी हीरोज जैसे इंडस्ट्री में एक बार फिर से इनके क्लैश होंगे, कब आने वाले टाइम में इन मूवीज़ के नाम सामने आएंगे। अगर ये मूवीज़ के नाम एक बार फिर से सामने आए और चर्चाएं होने लगे और डेट्स फाइनल हों तो वाकई में मज़ा आ जाएगा सन 2020-21-22 में। अगर मैं बात करूँ करण जौहर की नेक्स्ट की बात कर ली, कबीर खान की नेक्स्ट मूवी आने वाली थी, एक ड्रामेटिकल मूवी थी लेकिन इस मूवी की डेट भी नहीं आई सामने। इसके बाद विक्रम वेदा का रीमेक, बहुत लोगों ने बताया कि विक्रम वेदा का रीमेक आने वाला है लेकिन विक्रम वेदा रीमेक नाम से आया था लेकिन कुछ भी चर्चा नहीं हुई। और ये मूवी होने वाली थी एक थ्रिल एक्शन ड्रामा मूवी, एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली थी और वाकई में बहुत ही शानदार मूवी होती। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, हे रामा रीमेक कुछ मूवी आने वाली थी और ये एक्शन थ्रिलर मूवी आई थिंक होने वाली थी, थ्रिल बहुत ही शानदार मूवी हो सकती थी लेकिन ये कब डेट सामने आएगी लेकिन अभी नहीं पता किसी को। इसके साथ ही ऑपरेशन खुरकी की बात करूँ तो ये भी एक वॉर ड्रामा मूवी बताई जा रही थी या ड्रामेटिकल मूवी, ये भी मूवी का डेट सामने नहीं आया लेकिन लोगों ने 500 वीडियो बना दिए होंगे। अगर देखें, बात करें कि वाकई में रावण की बात करें तो रावण का सीक्वल बनने वाला था लेकिन रावण के सीक्वल की भी चर्चा शायद इसलिए नहीं शुरू, इसलिए बहुत लोगों ने चर्चाएं तो की लेकिन फाइनल जब अनाउंसमेंट होती है तभी अब वाकई में हमें सामने लेके आना चाहिए लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट कभी हुई ही नहीं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, एक और मूवी थी शिमित अमीन की नेक्स्ट, वो भी एक ड्रामेटिकल मूवी होने वाली थी लेकिन ये मूवी भी सामने आई लेकिन डेट सामने नहीं आई। तो क्या ये मूवी सन 2021-22-23 में कभी रिलीज होंगी, क्या ये मूवी की डेट सामने आएंगी? एक मूवी का नाम भूल गया मैं अभी, जो रिलीज होने की बात की जा रही सन की, आई थिंक एटली की नेक्स्ट मूवी है एक्शन ड्रामा मूवी, ये मूवी दिखाई दे सकती है बहुत ही जल्दी और इसकी डेट आई थिंक मुझे अभी सुनने में नहीं मिला लेकिन अगर आपको सुनने में मिला तो प्लीज़ कॉमेंट में बताना। और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है शाहरुख खान की आने वाली इन मूवीज़ का हाल, अगर कैसे भी कोई भी डिटेल्स आती है तो हम ज़रूर आप लोग के लिए सामने आएंगे। और फिर से हम आपसे वही बोलना चाहेंगे, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अब लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, बाय बाय।